गुड मॉर्निंग, आज जा रही हूँ थोड़ी शॉपिंग करने शिखर के लिए। आज ट्यूसडे गार्बेज डे होता है हमारे यहाँ, तो ये देखिए गार्बेज बिन सभी घरों के बाहर निकले हुए हैं। अभी गार्बेज वैन आएगी और सारे डब्बों को खाली करके ले जाएगी, क्योंकि क्रिसमस आने वाला है और न्यू ईयर आने वाला है और छुट्टियां शुरू होने वाली है। तो शिखर के स्कूल की छुट्टियां स्टार्ट हो रही हैं दिस सैटरडे से, 24th। तो सोचा कि क्यों ना शिखर को शेयरिंग एंड केयरिंग के बारे में थोड़ा सिखाया जाए। तो मैंने मंगवाए हैं थोड़े से चॉकलेट्स और चॉकलेट्स को इंडिविजुअली रैप करूँगी, गिफ्ट पैक में कन्वर्ट करेंगे और स्कूल में टीचर्स को, बस ड्राइवर को, सबको देख शिखर से दिलवाएंगे, ताकि शिखर को शेयरिंग एंड केयरिंग का थोड़ा सा लेसन मिले कि मिल बांट के गिफ्ट के देना होता है, मिल बांट के खाना चाहिए। तो इसके लिए जा रहे हैं डॉलरामा, वहाँ पे गिफ्टिंग आइटम्स मिलते हैं। चॉकलेट मैंने मंगा लिए, बट उसके लिए रैप करने के लिए या कार्ड देखूँगी, देखेंगे क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं, आपको भी दिखाते हैं। सो लेट्स गो। ये शिखर का प्रैम है, इसको मैंने अपने शॉपिंग ट्रॉली में कन्वर्ट कर लिया। अब क्योंकि ये प्रैम उसको छोटा हो गया है, ये छोटे बच्चों के लिए, तो मैंने कहा कि बेसिकली ये अम्ब्रेला स्ट्रॉलर है, तो मैंने सोचा कि इसको वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है, अपना ट्रॉली बैग ही हो जाए, शॉपिंग बैग। तो होता है कि ईजिली बस में ले जाना और सामान लाना बहुत आसान हो जाता है। और ये सबने क्रिसमस की डेकोरेशन की हुई है, क्रिसमस ट्री। शिखर स्कूल गया हुआ है तो फटाफट ही शॉपिंग निपटा के घर पहुंचना है उसकी बस आने से पहले। मेरा बस स्टॉप बस आने में है अभी 10 मिनट। इंडिया की तरह ही बस स्टॉप पे पूरे एड्स वगैरह चलते हैं। देखिए पीछे एक ऐड है, एक ये ऐड है, ये बेबी सिटर अवेलेबल, किसी ने अपने घर में खोला होगा तो उसके लिए है डे एंड नाइट। ये ऐड है जेन्युइन बुटीक एनी पंजाबी स्टाइल, किसी को चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बस आने वाली है 8 मिनट्स में और मेरे ख्याल से ये डॉलरामा मॉल में है जहाँ पे मैं जा रही हूँ। आज गनीमत है, हवा नहीं चल रही है, देखिए आप मेरे पीछे इतनी स्नो है लेकिन ठंड उतनी नहीं लग रही है, हवा से ज़्यादा ठंड पड़ती है। आई जस्ट हेट हवा, कनाडा का हवा बहुत ख़राब। बस स्टॉप है मेरा पीछे, नॉर्मली यहाँ पे बस स्टॉप भी हीटेड होते हैं, बट छोटे छोटे जो बस स्टॉप होते हैं वो खुले होते हैं, मतलब थोड़े कवर्ड होते हैं ताकि थोड़ी बहुत हवा को रोक सकें, कि बड़े वाले बस स्टॉप भी हीटेड रहते हैं तो आराम से आप उसमें वेट कर सकते हैं बस का। बस आ रही है मेरी, दूर खड़ी है यहाँ पे, दिख रही हो इससे पहले वाले बस स्टॉप पे। जल्दी जल्दी आए, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। बस से उतर गई हूँ, अब देखती हूँ कहाँ पर है डॉलरामा,
ये पीछे मेरी लाइब्रेरी है, ये इधर इस साइड मॉल है, तो देखते हैं जहाँ मुझे जाना है वो कहाँ पर है। सही पकड़ा था मैंने, ये जीपीएस मुझे ब्रैमली सिटी सेंटर मॉल में ही लेके जा रहा है, तो मतलब मेरी डेस्टिनेशन मॉल के अंदर ही है। ये जीपीएस तो पागल हो गया है, कभी राइट कभी लेफ्ट, मैं मॉल के अंदर ही जा रही हूँ, मिल जाएगा मुझे वहाँ पे। मॉल के अंदर आ गए, अंदर आते ही गर्मी लगना चालू हो गई। अब ढूंढ रहे मेरी डेस्टिनेशन कहाँ है। ये है मेरी डेस्टिनेशन, यहाँ पे डॉलर में सामान $1 से $4 तक का सामान मिलता है। ये सारी किचन की आइटम है, मुझे चाहिए 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा हैं पैकिंग के सामान के साथ, वो है मुझे चाहिए गारबेज बैग, एंड चाहिए एल्युमिनियम फॉइल रोल। ये है गार्बेज बैग, आई थिंक ये किचन के लिए ठीक रहेगा। ये ले लेते हैं एल्युमिनियम फॉइल या गार्बेज बैग हो गया। ये सेंटेड गार्बेज बैग से भी खुशबू आनी चाहिए, क्या मजाक है। ये भी है गिफ्ट बॉक्सेस $1 ईच, छोटे 2 for $1, 1.50 for $1। इंडिया में ऐसे जूते ही बैग होते हैं। ये भी अच्छा है, 1.50 में 3 for $1। गिफ्ट कार्ड होल्डर, गिफ्ट कार्ड सबसे ज़्यादा काफ़ी यूनिक चीज़ें मिल रही हैं। कौन सा लिया था समझ नहीं आया। ये सब क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करने के लिए, डेकोरेशन का सामान, सब मैंने तो गिफ्ट सेलेक्ट कर लिया है, तो गेड़ी मार रही हूँ कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, और कुछ शायद अच्छा पसंद आ गया। ये वाला खाली है वो, क्योंकि इसमें अभी किसी को ज़रूरत नहीं है, ये सब सामान। सांता की स्टॉकिंग्स, सारे क्रिसमस से रिलेटेड सामान है। सांता भैया, देखिए नेक वार्मर भी मिलता है अलग से, आप नेक वार्मर ले सकते हैं, कैप ले सकते हैं, मंकी कैप भी मिलती है। ये भी नेक वार्मर है, बहुत ही सॉफ्ट सा है। ले लिया तो लेना था, अब जा रही हूँ बिलिंग कराने। उधर से है
इतनी सुरंगें बनाई हुई हैं इन्होंने। वापसी के लिए बस ले ली थी मैंने और बस उसी रूट से जा रही थी जिस रूट में शिखर का स्कूल था। ये देखो इस टीम की बस खड़ी है और ये शिखर का स्कूल, इसमें काफ़ी सन्नाटा था क्योंकि ठंडी की हो गई है, इसलिए सारे बच्चे अंदर थे। मुझे ये लग रहा था कि से इतनी दिख जाए बस अंदर क्लास रूम में होगा, इसीलिए बाहर पूरा सन्नाटा है। बाय बाय बस, थैंक यू फॉर ड्रॉपिंग मी। बस से शॉपिंग कराई हूँ, बस चली गई मुझे छोड़ के, आधे रास्ते घर पर नहीं ड्रॉप किया। खैर थोड़ी दूर वॉक करना भी अच्छा है, तो वॉक करके सामान पूरा खरीद लिया, अपनी ट्रॉली में भर लिया है, होम मेड ट्रॉली में भर लिया है। अब जा रही हूँ घर और जाके करूँगी पहले शिखर का खाना बनाना है शिखर के लिए, लंच आ करके खाएगा, उसके आने का टाइम भी हो जाएगा थोड़ी देर में, और उसके साथ मिलके करेंगे गिफ्ट की पैकिंग, वो मैं दिखाऊंगी आपको अगले वीडियो में। तो अब जाते हैं घर, जाके करेंगे थोड़ा रेस्ट, बहुत थकाया है उन्होंने, बहुत चलाया है, और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ बी हेल्दी, बाय फॉर नाउ।